नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट हैब 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे थे मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में हमने चार क्लासें लगा ली है। आज अपन पांच नंबर क्लास लेके आए हैं। जो चार नंबर क्लास में जितनी भी डेफिनेशंस गुणा के बारे में चर्चा की थी उस पर सभी पे एग्जाम्पल करने वाले हैं, तो ये क्लास उससे भी ज़्यादा बेटर रहने वाली है आप लोगों के लिए। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, बने रहें क्लास में। शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन करवाता हूँ अपनी नोटबुक में आप नोट करें, उसको रिपीट करें, ठीक है। एक दो दिन में सफलता प्राप्त नहीं होती। मैं ये कहता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए में से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाता, लेकिन भैया खुद को पढ़ना पड़ेगा आपको, तब जाके वो सफलता प्राप्त होगी। अन्यथा मैं करवा दूँगा, आप देख लोगे, एक बार देख लोगे, मुझे नहीं लगता कि एक बार में आप क्लियर कर पाओगे उनको, तो कम से कम दो या तीन बार आपको देखना ही जरूरी पड़ेगा। और क्लासें काफ़ी होने वाली है, आपको पता है कि भी एक प्लेलिस्ट मैंने कंप्लीट करवा रखी है, जो 2022-23 में मैंने सिलेबस करवाया था उसमें 50 क्लासें हैं शायद, और 50 क्लासें अगर आप देखते हैं तो एक दिन में मैक्सिमम दो क्लास देख पाएंगे, बाद में बोर हो जाओगे, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो 25 दिन लगते हैं, एक महीना भर लगता है डेली कंटिन्यू दो क्लास देखे तो, वो भी एक ही बार में देखी जाती है। अगर आप करना चाहते हैं कि कम से कम तीन या चार बार प्रत्येक क्लास को देख लें तो कम से कम दो ढाई में तीन महीने चाहिए, तो इतना पढ़ना पड़ेगा, बने रहें, चलेगा। पहला क्वेश्चन है, छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, ए की स्क्वेयर ज्ञात करना है। बहुत सारे क्वेश्चनों में ए की स्क्वेयर, ए की क्यूब काम में लिया जाता है, तो किस प्रकार से निकालते हैं, जितनी ट्राई करोगे, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल निकालोगे उतना ही आपको मैथ आने लगेगा और ऐसा फील होगा कि कुछ न कुछ अपन मैथ वाले रास्ते पे चलने लग गए। फिलहाल तो ऐसा लग रहा होगा कि यार मैथ वाला रास्ता ही भूल गए, कौन सा रास्ता था पता नहीं, सर कहाँ पे लेके आ गए ना। देखिएगा हल, ए स्क्वेयर निकालना है तो ए स्क्वेयर को अपन ए गुणा ए लिखेंगे। ए क्या है यहाँ पे बताओ, ए है एक माइनस एक, माइनस एक एक, और दोबारा ए ही रखना है तो एक माइनस एक माइनस एक एक, आपस में दोनों का गुणा करना है तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या बनेगा, इस एक का गुणा इस एक के साथ में एक, एक कम एक, माइनस एक का गुणा माइनस एक के साथ में प्लस एक, एक का गुणा माइनस एक के साथ में माइनस एक, माइनस एक का गुणा एक के साथ में माइनस एक, माइनस एक का गुणा एक के साथ में माइनस एक, माइनस एक का गुणा माइनस एक के साथ में प्लस एक, माइनस एक का गुणा माइनस एक के साथ में प्लस एक, और प्लस एक का गुणा प्लस एक के साथ में प्लस एक। तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, देखो एक रेख दो, माइनस एक माइनस एक माइनस के दो, माइनस का एक प्लस का एक जीरो, कट गया रिजल्ट, प्लस एक प्लस एक प्लस का दो, ये रिजल्ट आएगा दो गुणा दो का, ठीक। ये आपके पास में आंसर प्राप्त हो गया, बात समझ में आई क्या। ये था हमारा ए स्क्वेयर, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी। नेक्स्ट पे, यदि a बराबर ये है, b बराबर ये है, तो हमें a डॉट b और b डॉट a ज्ञात करो, दोनों निकाल लें। चलो कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हल, a डॉट b करते हैं पहले, a डॉट b बराबर, a का रिजल्ट है, ए का रिजल्ट है चार दो माइनस पाँच एक जीरो तीन, और बी का रिजल्ट है छः माइनस के साथ जीरो माइनस एक दो पाँच एक जीरो तीन। ए डॉट बी करते हैं, ए डॉट बी चार का गुणा छः के साथ में, चार छिका चौबीस
दो का गुणा माइनस एक के साथ में माइनस के दो कितना आएगा, माइनस के दो। माइनस पांच का गुणा एक के साथ में माइनस पांच, पहले कॉलम के साथ में कंप्लीट कर दिया। अब दूसरे कॉलम के साथ में पहली रो का करेंगे, चार का गुणा सात के साथ में माइनस सात के साथ में माइनस के चार सात अट्ठाईस, चार दो का गुणा दो के साथ में प्लस का चार, माइनस पांच का गुणा जीरो के साथ में जीरो। इतनी बात समझ में आई? यदि संभव है तो, ये हमने देखा ही नहीं, सॉरी, ए डॉट बी और बी डॉट ए यदि संभव है तो ज्ञात करना है। इसका ऑर्डर क्या है? ए का ऑर्डर है आपके पास दो गुणा तीन, और बी का ऑर्डर क्या है बताओ मेरे को, तीन गुणा तीन। तो ए डॉट बी तो संभव है, बी डॉट ए है क्या? बी पहले लिखेंगे तो तीन गुणा तीन, ए बाद में लिखेंगे तो दो गुणा तीन। अरे ये नज़दीक वाले सेम ही नहीं है, पास पास वाले सेम होने चाहिए तभी तो है। तो बी डॉट ए तो संभव ही नहीं होगा, ये तो यहाँ पे संभव नहीं है, ठीक है। ए डॉट बी है जो कि अपन निकाल रहे हैं। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा अधूरा छोड़ दिया था इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, यदि संभव है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, अगर ऐसे दे दे ए डॉट बी और बी डॉट ए निकालिए, इसका मतलब वहाँ पे दोनों ही निकलेंगे। अगर ऐसे दिया जाए ए डॉट बी और बी डॉट ए ज्ञात कीजिए यदि कोई संभव है तो, संभव है तो आपको चेक करना है कौन सा संभव है, वही निकाल पाएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट पंक्ति का तीसरे कॉलम के साथ में चार गुणा जीरो जीरो, दो गुणा पाँच दस, दो गुणा पाँच कितना दस हो जाएगा, और माइनस के पाँच गुणा तीन, माइनस के पाँच गुणा तीन माइनस के पंद्रह, माइनस के पाँच थी पंद्रह हो जाएगी क्या, ठीक है। एक गुणा छः दूसरी रो का तीनों कॉलम के साथ बारी बारी से करते हैं, तो छः एकम छः, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो ये रिजल्ट आएगा छः एकम छः, जीरो गुणा माइनस एक जीरो, तीन गुणा एक तीन, एक गुणा माइनस के साथ प्लस, जीरो गुणा दो जीरो, तीन गुणा जीरो जीरो, एक गुणा जीरो जीरो, जीरो गुणा पाँच जीरो, तीन गुणा तीन नौ। तो ये ए डॉट बी आ जाएगा चौबीस में से माइनस के पाँच और माइनस के दो माइनस के सात घटाएंगे तो सत्रह बचेंगे, कितना बचेंगे सत्रह, माइनस के अट्ठाईस और प्लस के चार तो माइनस के चौबीस, माइनस के दस नहीं है, माइनस के पंद्रह और प्लस के दस हैं तो माइनस के पाँच, तीन और छः नौ, माइनस के सात और प्लस के नौ, ये रिजल्ट आएगा दो गुणा तीन, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए निकालना था, ए डॉट बी संभव था जो कि हमने निकाल दिया, बी डॉट ए यहाँ पे संभव नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स के किस मान के लिए, एक्स के किस मान के लिए बराबर होगा बताओ, बताइए, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इनका करते हैं इसका करते हैं, इसका ऑर्डर क्या है पहले तो ये बताओ, इसका गुणा हो जाएगा क्या, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर तो है एक गुणा तीन और इसका है तीन गुणा तीन, आपस में हो रहा है मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। फिर बनेगा एक गुणा तीन का, इसका ऑर्डर क्या है तीन गुणा एक, इसका भी हो जाएगा, लास्ट में जो मैट्रिक्स बनेगी वो एक गुणा एक की बनेगी। बड़ा शानदार प्रश्न है, देखोगे हाँ अलग सा ही लगेगा आपको कि क्या क्वेश्चन है, कितना बड़ा है, लास्ट में क्या बन गया, देखते देखते क्या बन गया। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, एक का गुणा
एक के साथ में करेंगे, एक का गुणा एक के साथ में करेंगे। अरे भैया इरेज हो गया तू एक बीच में, तो एक का गुणा एक के साथ में एक, एक्स का गुणा दो के साथ में दो एक्स, एक का गुणा पंद्रह के साथ में प्लस के पंद्रह। ठीक, पहले कॉलम के साथ में हो गया, अब दूसरे कॉलम के साथ में करेंगे तो एक गुणा तीन तीन, प्लस एक्स गुणा पाँच पाँच एक्स, प्लस तीन एकम तीन। नेक्स्ट का करेंगे दो एकम दो, प्लस एक्स एकम एक्स, प्लस में दो, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ, एक दो तीन के साथ में करना है, बराबर क्या है जीरो। क्या रिजल्ट बनेगा देखो, दो एक्स पंद्रह और एक सोलह, ये हैं पाँच एक्स प्लस तीन तिया नौ, कितना आएगा तीन तिया सॉरी तीन और तीन छः, जोड़ेंगे घटाएंगे गुणा नहीं करना ही, तीन और तीन छः हो गया। अच्छा इनको जोड़ दो, दो और दो चार, प्लस में एक्स, और ये क्या बन रहा है एक दो तीन बराबर जीरो। ये जीरो है ना, यहाँ पे जीरो एक शून्य मैट्रिक्स है, इसका ध्यान रखना आप। इसका गुणा इसके साथ में करेंगे, एक का गुणा इस दो एक्स प्लस में सोलह के साथ में करेंगे तो दो एक्स प्लस में सोलह ही आएगा, प्लस में पाँच एक्स प्लस में छः का गुणा दो के साथ में करेंगे तो दो का गुणा पाँच दूनी दस एक्स, प्लस छः दूनी बारह, प्लस तीन का गुणा इसके साथ में करेंगे तो तीन चौके बारह, प्लस तीन चौके बारह प्लस तीन एक्स, और बराबर क्या है जीरो है। देख लो एक्स वाले पद जोड़ लो कितना आता है, यहाँ पे दो एक्स दस एक्स बारह एक्स बारह एक्स और तीन एक्स पंद्रह एक्स, तो रिजल्ट आपको दे दिया पंद्रह एक्स पंद्रह एक्स सोलह और बारह बारह और बारह चौबीस, चौबीस और छः तीस, तीस और दस चालीस, कितना हो गया प्लस का चालीस बराबर जीरो चल रहा है। एक्स पंद्रह एक्स बराबर प्लस का चालीस, इधर जाके माइनस का चालीस बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस के चालीस बटा पंद्रह, पाँच के पाड़े से कट रहे हैं, पाँच आठे चालीस और पाँच तीन पंद्रह, तो एक्स का मान कितना आएगा बेटा माइनस के आठ बटे तीन आएगा, माइनस के आठ बटे तीन आएगा। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो एक्स के किस मान के लिए ये होना चाहिए, एक्स का मान आपका माइनस के आठ बटे तीन हो जाएगा, माइनस का आठ बटे तीन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, यदि ए बराबर ये बी बराबर ए तो हो तो ऑब्वियस सी याद कीजिए, जहां ए प्लस दो बी प्लस सी बराबर जीरो है। तो पहले तो अपन करते हैं ए प्लस दो बी प्लस सी बराबर जीरो, इस समीकरण में मान रखते हैं, तो ए प्लस दो बी प्लस सी बराबर जीरो करते हैं। ए का मान कितना है रखो यहां से, ए का मान है एक तीन दो एक तीन माइनस एक प्लस दो, बी का मान कितना है दो एक एक दो माइनस एक जीरो, और प्लस सी पता नहीं क्या है बराबर जीरो, यानी शून्य मैट्रिक्स है जीरो 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 जीरो। इनका पहले मल्टीप्लाई करा दो, ये बन जाएगा एक तीन दो एक तीन माइनस एक, प्लस इनका अंदर मल्टीप्लाई कराओ दो का, दो दूनी चार दो एकम दो, दो एकम दो दो दूनी चार, माइनस का दो और जीरो, प्लस सी बराबर शून्य मैट्रिक्स जीरो 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 जीरो। इज दैट क्लियर, इन दोनों को जोड़ दो आप, इन दोनों को
जोड़ोगे तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा? दोनों को जोड़ोगे तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा? एक और चार पाँच बन जाएगा। क्या बनेगा? पाँच, तीन और दो कितना बनेगा? पाँच, दो और दो कितना बनेगा? चार। एक और चार कितना बनेगा? पाँच, तीन और माइनस के दो, तो प्लस का एक, माइनस का एक और जीरो, माइनस का एक। प्लस में सी बराबर चल रहा है जीरो 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 जीरो। अब ये रिजल्ट प्लस का इधर जाके माइनस का बन जाएगा, तो सी बराबर क्या आएगा? ये यहाँ पे जीरो जीरो तो है ही, शून्य मैट्रिक्स चल रही है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो और हटाना चाहो तो शून्य शून्य को हटा भी सकते हो। ये इधर जाके माइनस का बन जाएगा, पाँच पाँच चार पाँच एक माइनस एक, बाहर माइनस है तो सी क्या आ जाएगा? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सी आपके पास में आ जाएगा, सी आपके पास में आ जाएगा माइनस के पाँच, माइनस के पाँच, माइनस के चार, माइनस के पाँच, माइनस का एक और माइनस प्लस का एक, ये रिजल्ट आएगा। इज दैट क्लियर? तो सी हमारे पास में ये बनेगी तीन गुणा दो की मैट्रिक्स, तीन गुणा दो की मैट्रिक्स बन जाएगी। ये हमारा आज की क्लास का फोर नंबर क्वेश्चंस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है, यदि ए और बी हो तो सिद्ध करो ए डॉट बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है और अच्छे लेवल में आता है ये, अच्छे नंबरिंग में आता है ये क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया आपके बोर्ड आपके यूनिवर्सिटी के माध्यम से। सिद्ध करो कि ए डॉट बी, संख्याएं चेंज कर सकता है, इसी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। देखो ए डॉट बी निकालना है, सबसे पहले ए डॉट बी निकालते हैं, ए डॉट बी चार दो माइनस पाँच एक जीरो तीन, इधर रखेंगे बी का मान छः माइनस सात जीरो माइनस एक दो पाँच एक जीरो दो। ए डॉट बी बराबर क्या बन जाएगा? चार छिका चौबीस, चार छिका चौबीस, दो गुणा माइनस एक माइनस दो, पाँच गुणा माइनस एक माइनस के पाँच, चार गुणा सात माइनस के अट्ठाईस, दो गुणा दो चार, पाँच गुणा जीरो जीरो, प्लस करें माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो का तो जीरो रहता है। चार गुणा जीरो जीरो, पाँच दूनी दस और पाँच दूनी दस, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? एक गुणा छः छः, जीरो गुणा माइनस एक जीरो, तीन गुणा एक तीन, माइनस के साथ जीरो का गुणा दो के साथ में जीरो, तीन का गुणा जीरो के साथ में जीरो, एक का गुणा जीरो के साथ में जीरो, कितना आएगा? जीरो क्या? एक का गुणा जीरो के साथ में जीरो, जीरो का गुणा पाँच के साथ में जीरो, तीन का गुणा दो के साथ में छः, ठीक है। तो ए डॉट बी आपके पास प्राप्त हो जाएगा चौबीस माइनस में सात सत्रह, अट्ठाईस माइनस के प्लस के चार माइनस के चौबीस, प्लस माइनस कट गया जीरो रिजल्ट आया, ये नौ, ये माइनस के सात और ये प्लस के छः। अब इनका क्या करना है? हमें ट्रांसपोज करना है। ए डॉट बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? परिवर्त मैट्रिक्स,
पंक्ति को कॉलम में, कॉलम को पंक्ति में चेंज कर देंगे तो ये बनेगा 17। कितना बनेगा? 17 माइनस के 24 जीरो, 17 माइनस के 24 जीरो, 9 माइनस के 7 और 6। ये एक नंबर इक्वेशन दे सकते हैं इसको। अब हमें क्या करना है? B का ट्रांसपोज करना है। तो B का ट्रांसपोज क्या बन जाएगा? डायरेक्ट लिख दूं B का ट्रांसपोज डॉट A का ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज हमारे पास हो जाएगा 6। कितना आएगा? 6 माइनस के 7, माइनस के 7। छ माइनस के 7 जीरो, माइनस 1 2 5 1 जीरो 2। बी का ट्रांसपोज करेंगे तो, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो 4 2 माइनस 5 1 जीरो 3। इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा? देखो 6 चौके 24 माइनस का 2 माइनस के 5। पहले कॉलम के साथ हो गया, दूसरे कॉलम के साथ में करेंगे 6 एकम 6 प्लस 0 प्लस 3 एकम 3, ठीक है। माइनस 7 का करेंगे 4 के साथ में, माइनस के 28 प्लस 2 का करेंगे 2 के साथ में 4 फिर 0, माइनस के 7 प्लस के 0 प्लस के 0, 0 का करेंगे तो 0 प्लस 5 दूनी 10 माइनस के 10, 0 का करेंगे तो 0, 5 का 0 के साथ में 0, 2 का 3 के साथ में 6। तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 17, 9 माइनस के 24। देख लो प्लस के 24 हैं, माइनस के 7 हैं, तो प्लस के 17 आ जाएंगे, 6 और 3 9 आ जाएंगे। ये कितना है? माइनस के 28 प्लस के 4 हैं तो माइनस के 24 आ जाएंगे, माइनस के 7 आ जाएंगे, प्लस माइनस कट जाएगा 0 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। ये आ गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को चेक कर लो, दोनों बराबर हैं, 17 9 माइनस के 24 माइनस के 7 0 और 6। तो आज की क्लास में हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस प्रकार से आप संख्या चेंज करके भी कर सकते हैं, एक बार प्रैक्टिस जरूर करें इसको करने की। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर सभी स्टूडेंट करेंगे। इस प्रकार से नेक्स्ट क्लास से हमारी सारी की सारी क्वेश्चनों पे ही रहने वाली हैं, जितनी भी ज़्यादा तो नहीं रहेगी, 3-4 क्लासें और रहने वाली हैं, सारी की सारी क्वेश्चनों पे ही रहेगी। इसके बाद में अपन अपना टॉपिक चेंज कर लेंगे, मैट्रिक्स पढ़ने के बाद में हम डिटर्मिनेंट को शुरू करेंगे, डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद में अवकलन समाकलन है, अवकलन के अनुप्रयोग हैं, इस प्रकार के टॉपिक हमारे फलन है, लिमिट है, ये सारे के सारे टॉपिक जारी रहेंगे। चलेगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।